हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विस्कस अबाउट द मेडिसनल केमिस्ट्री ऑफ द पैरसिम्पेथो माइमेटिक्सिक इंट्रोडक्शन बायोसिंथेसिस मेटाबुलिज्म रिसेप्टर्स दियर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द क्लासीफिकेशन एंड द क्लिनिकल यूजेज ऑफ द वेरियस कोलिनोमामेटिक ड्रग्स और द कोलर्जिक ड्रग्स और द पैरासिम्पेथोमामेटिक ड्रग्स तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री वन बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर थ्री पैरासिम्पेथोमामेटिक ड्रग के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में केवल हम इंट्रोडक्शन ही कवर करेंगे जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा लेकिन डिटेल्ड जो है हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं तो उस उनके जो वीडियोस हैं उसको भी हम प्लेलिस्ट में ऐड कर दे रहे हैं उनको देखिए थोड़ा तो सा डिटेल नॉलेज हो सकेगा सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज रिगार्डिंग द मेडिसनल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द फार्माकोलॉजी वी कैन यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय सिंह दिस लिंक सो ना लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो पैरासिम्थेटिक सिस्टम इसमें दो मेजर पार्ट हैं एक आपका है पैरासिम्पेथोमामेटिक एक आपका लाइटिक सो पैरासिपेथो मामेटिक इस ऑल्सो एज द कोलिनर्जिक ड्रग्स और कोलिनोमामेटिक ड्रग्स बिकॉज दिस ड्रग्स बेसिकली माइमिक द एक्शन ऑफ स्टाइल कोलिन तो ऐसे ड्रग्स जो कि कोलर्जिक सिस्टम के या फिर स्टाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करते हैं उन ड्रग्स को हम कोरिनोमामेटिक या पैरा सिंपेथोमामेटिक ड्रग क्लास में रखते हैं इसमें जो मेजरली न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो है आपका स्टाइल कोरिन जो ऑलरेडी आपको पता होगा फार्मोटोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली एक और भी बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन के बारे में तो बेसिकली बात करें हम लोग तो ये आपके ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का पार्ट है जिसमें दो मेजर पार्ट होते हैं एक है पैरा एक है आपका सिंपेथोमामेटिक सिस्टम ठीक है तो बात करें हम लोग इसकी बायोसिंथेसिस की आपके स्टाइल कोरिन की क्योंकि स्टाइल कोरिन इज द मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन द पैरा नर्वस सिस्टम तो उसमें जो हैं आपके जो न्यूरॉन्स के अंदर की बात करें तो उसमें कोलिन इज़ द मेजर प्रिकर्सर लेकिन बात करें हम लोग एक्सटर्नल की बात करें तो उसके केस में जो है आपका जो स्टाइल कोलिन है वो बनता है आपके सेरिन से ठीक है सेरिन जो है आपके डी कार्बोसलिस एंजाइम के प्रेजेंस में बनाते हैं आपके इथेनोलामिन ये जो फिर इथेनोलामिन है आपके एस एडनोसाइल मिथ्योनिन के, के प्रेजेंस में आपका ये बनाता है आपका कोलिन ठीक है तो ये जो कोलिन है फिर आपके कोलिन ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुँचता है आपके न्यूरोस में प्री स्नेप्टिक आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें पहुंचता है आपके ये आपका प्री स्नैप्टिक न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स हैं ठीक है तो इनमें बेसिकली आपके सेंसाइस होते हैं स्टाइल कोलिन आपके जो माटोकॉन्ड्रिया है जिसमें आपके स्टाइल को एनजाइम ए है जो कि टी सी साइकिल से आपको मिलता है तो ये जो स्टाइल कोलिन कोन्जाइम ए है आपके कोलिन के साथ में बना आपके बनाता है स्टाइल कोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टाइल कोलिन या कोलिन एस्टाइल ट्रांसफरेस एंजाइम के प्रेजेंस में और ये फिर स्टोर होते हैं अपने वेसिकल्स में और रिलीज होते हैं एस फॉर तो द डिमांड हम डिटेल में बात कर चुके हैं कोलोजी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको आप देखिए ठीक है।, है तो ये इसके बेसिक बायोसिंथेसिस है बात करें मेटाबॉलिज्म की तो आपके बॉडी के अंदर में जो है कोलिन स्ट्रेस एंजाइम होते हैं ये एंजाइम आपके स्टाइल कोलिन को फर्दर आपके जो है कोलिन और एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट्स कर देते हैं ठीक है तो ये जो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है वो दो तरह के होते हैं एक आपका स्टाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम या कोलिन स्ट्रेस एंजाइम जो नॉर्मल नॉर्मल है वो आपके होता है स्नेप्टिक जंक्संस पे लेकिन जो आपके ब्यूट्राइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है ये आपके प्लाज्मा और सीरम में भी प्रेजेंस होते हैं इसलिए हम जो स्टाइल कोलिन की बात करें हम ओरली दें आईवी दें तो वो इनेक्टिव ही होता है क्योंकि आपके प्लाज्मा भी तो मेटाबलिजम इनके एंजाइम है तो उसको वो ब्रेकडाउन कर देता है और यूजफुल uh, नहीं होता है इसलिए हम क्लिनिकली यूज नहीं करते स्टाइल कोलिन को तो ये बेसिक दो मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं आपके स्टाइल कोलिन या कोलिन स्ट्रेस जो कि होता है आपके स्नेप्टिक जंक्शंस पे और आपका होता है बिट्राइल कोलिन स्ट्रेस जो होता है प्लाज्मा पे और सीरम पे इन टाइप से क्वेश्चन आपके जीपेट में आते हैं इसका वक्त है मॉडिल्टर की तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप शायद वीडियो देख चुके होंगे फार्माकोलॉजी लेक्चर्स पे अब आते हैं हम लोग डिस के बारे में तो मेनली दो होते हैं एक होता है मस्क्रिनिक एक होता है निकोटिनिक तो मस्क्रिनिक जो है मस्क्रीन जो आपके मशरूम या मस्क्रिनिक जो इलेक्ट्रोइड है उसका एक्शंस को रिसम्बल करता है इसलिए नाम रखा गया है मस्क्रिनिक ठीक है तो उसमें भी मस्क्रिनिक के पाँच टाइप होते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव न्यूटेनिक के दो होते हैं एन एम और एन 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 एम मींस न्यूरोमस्कुलर बेसिकली होते हैं और एन एन जो है आपके ऑटोमिक गंग्लिया में होते हैं तो इनके बेसिक डिटेल फार्माकोलॉजी ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है प्लेलिस्ट में ठीक है तो बात करें हम लोग मस्कनिक की तो उसमें एम वन एम टू और एम थ्री मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं तो एम वन होता है आपके होते हैं निरॉन्स में और आपके जी आई पे जो कि आपके जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है जो ऑड वाले हैं एम वन एम थ्री एम फाइव जी क्यू पी सी आर के थ्रू काम करता है और एम टू एम फोर जीएस के थ्रू काम करता है ठीक है तो बेसिकली क्या होता है आपका जो एम वन है वो आपके होते हैं न्यूरोन्स में जो कि एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा उसके अलावा आपके जीआई आई में हुए मतलब आपके जीआई आई सिग्रेशन को भी इन्हींस करेंगे उसके अलावा आप करें हम एम टू की तो एम टू आपके होते हैं हार्ट में तो हार्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं क्योंकि ये जी आई के थ्रू काम करते हैं तो अल्टीमेटली ये जो आपके ऐसे नोड हैं और ए वी नोड हैं जो कंडक्शन उसका स्लो डाउन करते हैं उससे आपकी जो हार्ट रेट है वो कम होगी आपकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रक्शन है कम होगी जो कंडक्शन है वो कम होगी इसलिए दिस वॉज द नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट नेगेटिव न्यूट्रॉपिक इफेक्ट और निगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आपके हार्ट रेट से है तो नेगेटिव मतलब हार्ट रेट कम होना इनोट्रॉपिक इफेक्ट आपके फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन से है तो आपका फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन कम होना और ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट आपके कंडक्शन से है इम्पल्स का तो ये भी आपका कम होता है ठीक है तो ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं फिर जो एम थ्री है आपके जितने भी एक्सोक्राइन ग्लांट्स हैं इसके अलावा आपके जो स्मूथ मसल सेल्स से हैं चाहे आपके जीआई ट्रैक्ट का हो आपके ब्लड वेसल्स का हो आपके, आपके आय आयरिस का हो यूट्राइन का हो इस सब में या फिर आपकी जो जो ब्लेडर है उनका हो उनमें पाए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट करते हैं क्योंकि जी क्यू हैं तो इनका बेसिक रोल है डिटेल ऑलरेडी ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है ठीक है तो उसको देखिए है। आते हैं आप लोग न्यूटेनिक पे तो एनएन आपके होते हैं ऑटोनोमिक गेंगलिया पे चाहे वो सिमथेटिक सिस्टम के हो चाहे पैरा सिस्टम के हो दोनों के न्यूरॉन्स में भी आपके जो गेंगलिया है उसमें आपके एनएन ही होता है और जो एन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होते हैं आपके खासकर स्केटल मसल्स पे जो कि कॉन्स्ट्रिक्टन कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये कुछ बेसिक्स रिसेप्टर्स के बेसिक क्लासिफिकेशन हैं अब आते हैं हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन की ओर तो हम बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट एक्टिंग इन डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट एक्टिंग।, एक्टिंग का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो कि डायरेक्टली रिसेप्टर्स पर बाइंड करके उनको एक्टिवेट कर सके उन ड्रग्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमामेटिक ड्रग्स सो so, उसमें से दो टाइप के होते हैं एक होता है कोलिन स्टर्स एक होता है नेचुरल एल्कोलाइड्स वाकिन कोलिन स्टर्स की मीन्स ये आपके ऑफ द कोलिन हम बोल सकते हैं जिसमें आपके एस्टाइल कोलिन मिथाकोलिन कार्बाकोल और बेटनाकोल ड्रग आते हैं ठीक है इनके बेसिक यूज क्या हैं आपका जो मिथाकोलिन है उसका जो यूज़ है आपके डायनोसिस ऑफ द अस्थमेटिक पेशेंट के लिए हम कर सकते हैं कार्बाकोल का ग्लोकमा के लिए है और आपका जो वेथनाकोल का यूज़ है वो आपके होता है जियाइल ब्लडर इटोनी के लिए एटोनी के लिए ठीक है मीन्स आपका जब भी जे आई ब्लडर हैं ऑपरेशन के बाद रिलैक्स हो जाते हैं तो उनको टोनिन टोनिसिटी इन्हें, इन्हेंस करने के लिए हम दे सकते हैं स्टेल्टोन का किनकली कोई यूज़ नहीं है बात करें नेचुरल एल्ट्रोलाइट की उसमें आपके मस्क्रीन है ठीक है जो आपके डेस्ट्रोफार्म मस्क्रीन है वो हाईली एक्ट एक्टिव है ठीक है जो, जो कि एमहेंसिया मस्के मस्केरिया से मिलता है इसके अलावा बात करें हम लोग पिलोकार पिलोकार्पस पिलो माइक्रोफिलस से मिलता है पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन बहुत ही अच्छा ड्रग है आपके मायोटिक ड्रग हैं जो कि हम ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं ठीक है बात करें एक्रोलिन की तो ये आपका एक्रा कैटेच्यू से मिलता है इसके अलावा अदर की बात करें तो निकोटिन ऑक्सो ट्रेमोरिन ट्रेमोरिन लेबोरिन ये सब ड्रग आते हैं आपके एलेक्लाइड पे जो मस्क्रीन है उसका जो आइसोलेशन है वो आपके स्टिमबर्ग साइंटिस्ट ने किया था एटीन सिक्सटी नाइन ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं ठीक है बात करें कोलिन स्ट्रेस इन्हीभीटर्स की या इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि कोलिन स्ट्रेस एंजाइम को इनिबिट करते हैं जो कि मेटाबॉलिक एंजाइम है स्टाइल कोलिन का इस एंजाइम को इनबिट करने की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है आपके स्टाइल कोलिन का वो कम होता है और कम होने से उनकी जो अवेलेबलिटी है जंक्न्स पे वो इन्हेंस हो जाती है उससे उनका जो एक्शन है वो इन्हेंस हो जाता है इनमें से दो मेजर हैं एक आपका रिवर्सिबल एक आपका इ रिवर्सिबल रिवर्सिबल मीन्स आपके इस पर जो ड्रग हैं वो आपके रिसेप्टर पर आपके जो एंजाइम पे बाइंड करके वापस रिवर्स हो सकते हैं वापस वो, वो आ सकते हैं लेकिन आपके इिवर्सीबल जो हैं वो कोवलेंटली बाइंड करते हैं आपके एंजाइम्स से और उसको परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देते हैं जो कि बहुत ही डेंजर हो सकता है इसलिए इनके जो ड्रग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हाईली होते हैं और क्लिनिकली बहुत ही कम यूज़ हम लोग करते हैं तो जो रिवर्सिबल की उसमें आते हैं कार्बोमेट डेरिवेटिव्स जिसमें आपके फैसोस्टिगमाइन नियोस्टिगमाइन न्योस्टिक माइन पीडोस्टिक माइन इंड्रोफोनियम डोनाप्रेजिल सब आते हैं अब इनके बेसिक यूज़ क्या क्या है फैसोस्टिगमाइन का ग्लूकॉम यूज़ करते हैं नियोस्टिगमाइन का पीडोस्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं आपके माइस्थनिया ग्रेविस पे ठीक है उसके अलावा आपके रिवर्सटिकमाइन का हम लोग यूज़ करते हैं आपके टेक्रीन का और डोनापिक्सिल का हम करते हैं एल्जाइमर डिसीज पे आपके इंड्रोफोन का करते हैं डायगनोसिस ऑफ द माइसिनिया ग्रेविस पे ठीक है बात करें इन रिवर्सिबल की तो उसमें आपके कार्बो कार्बोमेट में आते हैं का, कर, कार्बोराइल और प्रोपोक्सर लेकिन ऑर्गेनोफोसोफेट मेन ड्रग हैं आपके रिवर्सिबल के जिसमें आते हैं आइसोफ्लोरोफेट इकोफ्लोरोफेट जो कि आपके में यूज़ होते हैं उसके अलावा आते हैं पैराथियन और मेलाथियोन जो कि रिवर्सिबल हैं और इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है जितने भी आपके जो हर्बिसाइड्स हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं जो आपके एग्रीकल्चर में फार्मिंग में यूज़ करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं और इनसे जो टॉक्सिटी है इनहेंस हो जाती है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फरस टॉक्सिटी जिसका जो एंटागोनिस्ट या एंटीडोट से हम एट्रोपिन या प्रॉलीडोक्सिन हम यूज़ करते हैं उसके अलावा टुबेन सेरन टेमन सुमन जो हैं आपके नर्व गैस की तरह काम करते हैं ठीक है जो नर्व गैस की जो एक्टिविटी है वो आपके स्टाइलिन कोलर्जिक एक्टिविटी की तरह ही होती है इसलिए इसको नर्व गैस मामेटिक ड्रग भी बोल सकते हैं इन ड्रग्स को खासकर ठीक है थरेपेटिक्स की बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जीपेट में आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सार अब आते हैं हम लोग थरेपेटिक यूजेस ऑफ द पैरासिम्पेथोमेटिक ड्रग्स तो बात करें थरेपेटिक यूजेस की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और स्पेसिफ़िक होते हैं स्टाइलकोलिन एस एस, एस सच क्लिनिकली इनक्टिव है क्लिनिकली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं ठीक है तो बात करें हम लोग ग्रोकमा ग्रोकमा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फाइसोस्टिगमाइन पिलोकार्पिन और कार्बाकोल एंड आइसोफ्लोरोफेट ठीक है और इकोथियोफेट इको बात करें माइसिनिया ग्रेविस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूस्टिगमाइन और प्रेडोस्टिगमाइन यहाँ याद रखिए इसके अलावा जो इड्रोफोनियम है हम यूज़ करते हैं इसके डायनोसिस के लिए एल्जामर के लिए हम यूज़ करते हैं रिवास्टिक माइन ट्रैक्रीन डोनापेजिल और गलेंटामिन ठीक है पोस्ट ऑपरेटिव इंडिया मतलब ऑपरेशन के बाद जो आपका जी है या ब्लडर है वो रिलैक्स हो जाते हैं वो टोनिसिटी कम हो जाती है तो उनको टोनिसिटी इन्हेंस करने के लिए कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैंटिक ड्रग्स उसमें आते हैं आपके वेथनाकोल न्योस्टिगमाइन और प्रीडोस्टिगमाइन हम यूज़ कर सकते हैं सो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पैरासिम्पेथोमामेटिक ड्रग्स इन माई अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द पैरासिम्पेथोमामेटिक ड्रग्स जो कि एक्चुअल में मेडिसिन केमिस्ट्री का पार्ट है और उनसे ही क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते हैं ये जो टॉपिक है आपके लिए फार्माकोलॉजी में भी पढ़ चुके होंगे तो उसको आप रिवाइज कीजिए हम केवल एक ओवरव्यू डिस्कस किए हैं ताकि आपको रिवाइज़ हो सके सो इफ यू लाइक मे वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोज़ इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग